साथ आइए रुक करते हैं अभी की कुछ ताजा खबरों की। कमलनाथ की सरकार ने आते ही 24 दिसंबर को की नई शुरुआत। कांग्रेस ने 24 दिसंबर को अनुशासन दिवस के तौर पर मनाया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में सभी शासकीय कार्यालयों में हुआ शपथ समारोह का आयोजन। स्वाइन फ्लू के वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब तक 406 मरीजों के सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए लैब में, इनमें से 27 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में रिजल्ट की लेट लतीफी को लेकर एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। छात्रों ने लगाया आरोप, कहा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय न सिर्फ रिजल्ट के मामले में पिछड़ गया है बल्कि रिव्यू के मामले में भी काफी पिछड़ चुका है। कमलनाथ की सरकार ने आते ही एक बार फिर 24 दिसंबर को नई शुरुआत की। शासकीय महकमे में देखने को मिली 24 दिसंबर को अनुशासन दिवस के तौर पर मनाया गया। इंदौर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में सभी शासकीय कार्यालयों में शपथ समारोह के दिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कार्य को निष्ठा से करने की शपथ ली। इस शपथ समारोह को सभी कार्यालयों में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 India। का मौसम आते ही स्वाइन फ्लू के वायरस फैलने का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। इसको लेकर इंदौर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यदि इंदौर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो अब तक 406 मरीजों के सैंपल टेस्ट के लिए लैब भेजे गए थे जिसमें से 27 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहर में पिछले एक साल में स्वाइन फ्लू से 9 मरीजों की मौत हो चुकी है, वही 7 की हालत अब भी गंभीर है। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो ठंड के समय में खतरा अधिक बढ़ जाता है जिसको लेकर एहतियात बरती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 India। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक कराया जा रहा है जिसको अभियान जो चलाया जा रहा है, किस तरह का अभियान रहेगा सर और क्या उसकी होगी और कैसे आम आदमी इसका वो ले सकता है, जानकारी ले सकता है, फायदा ले सकता है? दरअसल मीजल्स और रूबेला ये दो टीकों को एक साथ मिलाकर, दो एंटीजन को एक साथ मिलाकर एक टीका लगाने का अभियान। मीजल्स अपने आप में बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो न सिर्फ मृत्यु कराती है बल्कि इसके द्वारा हुए साइड इफेक्ट्स या अन्य जो प्रभाव होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, मानसिक बीमारी से लेके अंधापन, बहरापन, ये सारी चीजें भी जन्म भर उसको अपंग बना देती हैं। देखिए, ये बिल्कुल कहना सही है कि वायरस न सिर्फ H1N1 बल्कि समस्त प्रकार के वायरस ठंड और नमी के अगर एक साथ उनको मिल जाए तो उनका पनपना बढ़ जाता है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में रिजल्ट की लेट लतीफी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में NSUI के विरोध प्रदर्शन करती थी, अब सरकार बदलने के बाद ABVP ने यह मोर्चा संभाल लिया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय न सिर्फ रिजल्ट के मामले में पिछड़ गया है बल्कि रिव्यू के मामले में भी काफी पिछड़ चुका है। इस मामले में जब विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि चुनाव में ड्यूटी लगती है और दूसरे काम भी होते हैं, इसलिए रिजल्ट लेट हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 India। अभी किस तरह की समझाइश दी गई छात्रों को जो हंगामा कर रहे हैं? उनको यही कहा कि एटीकेटी होती नहीं है भाई, जब एनुअल सिस्टम हो गया है तब से सप्लीमेंट्री एग्जाम होती है और सप्लीमेंट्री एग्जाम जब होती है तब उसके बाद में आप ये जो रिवोल्यूशन का काम कर लेते हैं। रिवोल्यूशन का काम नहीं हुआ तब तक सप्लीमेंट्री नहीं हो सकती और सप्लीमेंट्री हो जाएगी तो उसके बाद में उसका रिजल्ट निकल जाएगा, उसमें कोई रिव्यू नहीं होता, कोई रिविजन नहीं होता है, उसके बाद में मेन परीक्षा दे सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, News 29 India। पीलीभीत पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोर को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पीलीभीत के पूरनपुर के शातिर नकाबजन को 3,20,000 रुपए के 3 मोबाइल और ज्वेलरी के साथ गिरफ्तार किया गया है। चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने वाला यह शातिर चोर पुलिस और मीडिया के सामने अपने सारे अपराध को बोल रहा है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी चोर पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के जावेद और फारूक की मदद से चोरी किया करता था। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। नाम है तुम्हारा? जावेद। घटनाओं किस तरह से अंजाम देते थे? नहीं गलती तो कैसे बताओ, किसके साथ थे? कितने लोग थे आपके साथ में? दो लोग थे। अच्छा, कैसे चोरियां करते थे? कहाँ से? पूरनपुर कस्बे में। इधर विगत एक महीने में, करीब एक डेढ़ महीने में 5 नकबजनी की घटनाएं हुई जिसमें
बैंक में भी जो है ना कब्जे का प्रयास किया गया। सीहोर की व्यस्त आबादी वाले मंडी क्षेत्र में बने दुर्गा मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने मंदिर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और मंदिर के अंदर अलमारी में रखे दो चांदी के छत्र, एक चांदी की तलवार, सोने की 8 चूड़ियां मिलाकर 2.5 लाख रुपए मूल्य के आभूषण चोरी करके ले गए। सूचना के बाद मंडी थाना पुलिस और CSP OP त्रिपाठी मौके पर पहुंचे। पुलिस आसपास के CCTV की मदद से आरोपी को ढूंढने का प्रयास कर रही है। मंडी क्षेत्र बंद है और मंडी के व्यापारी लोगों ने ज्ञापन दिया चोरी को लेके। किस पे रही घटना थी? कल दुर्गा माता मंदिर में उनके माता जी के जेवर चोरी चले गए थे, उसको चोरों को पकड़ने के लिए आज वहाँ के पूरे नागरिकों ने थाने पे आके ज्ञापन दिया है कि अति शीघ्र इन चोरों को पकड़ा जाए और हमारी पूरी कोशिश है कि हम बहुत जल्दी इन चोरों को पकड़ के जनता के सामने लाएंगे कि इनने चोरी की। सीहोर से दिनेश तिवारी की रिपोर्ट। अभी फिलहाल खबरों में इतना ही। न्यूज़ 29 पर खबरों के लिए लगातार बने रहिए। एक देश सारे प्रदेश।